स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश प्रैक्टिस बुक प्ले नंबर फिफ्टी एट यूज ऑफ हीज एंड हर सी दिक्चर एंड राइट दीपू हैज अ बैलून इट इज हीज बैलून ही इज दीपू एंड ही हैज अलून इट इज हीज बैलून ये दीपू है उसके पास बैलून है ये उसका बैलून है दीपू लड़का है इसलिए ही यूज हुआ है उसके बाद इस पिक्चर को देखिए ये लड़का है इसका नाम नितिन है इसके पास बैट है नितिन हैज ए बैट इट इज डैश ये उसका बैट है इट इज हीज बैट ऐसा लिखेंगे उसके बाद ये सीमा है सीमा हैज हैज अ सीमा लड़की है इसलिए यहाँ पे हर यूज हुआ ये राज है राज हैज काइट इट इज हिज काइट राज के पास काइट है ये उसका काइट है राम हैज ए इट इज हिज डक राम के पास डक है ये लड़का इसलिए हिज लगाए इट इज हीज ड यहाँ पे लिखेंगे इट इज हिज डक ये बहुत आसान था और आप कर भी देंगे क्योंकि हिज और हर का यूज आपको मालूम है हीज लड़कों के लिए यूज होता है और हर लड़की के लिए यूज होता है अब नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं पेज फिफ्टी नाइन पेज फिफ्टी नाइन पिक द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड पुल एंड पुट दैम इन द राइट कॉलम अंडर द राइट कॉलम ये वर्ड पुल है इसमें से वर्ड लेना है और यहाँ तीन कॉलम बना हुआ है ही हर इट इसमें डालना है तो सबसे पहले दीपक है दीपक लड़का है दीपक लड़का है इसलिए इसमें हिज लगेगा और यहां पर हम लोग डालेंगे उसके बाद रेट है रेट एनिमल है इसलिए इसको ईट के जगह में डालेंगे उसके बाद ये मंकी है मंकी भी एनिमल है इसलिए इसको ईट के जगह में डालेंगे मंकी मीन्स बंदर ये मदर है मदर माँ माँ सी है हर है इसलिए इसको हर के जगह पे डालेंगे इसके अलावा आप लोग जितना है ये खुद से बनाइएगा सिस्टर हर में आएगा गर्ल हर में आएगा रवि हिज में आएगा कैट ईट में आएगा टाइगर ईट में आएगा राम हिज में आएगा बॉय हिज में आएगा फादर हिज में आएगा डॉग ईट में आएगा नेहा हर में आएगी गीता हर में आएगी ये आप लोग बनाइएगा ये हुआ पेज फिफ्टी नाइन पेज 58 और पेज 59 बना करके भेजिएगा थैंक यू